नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रिलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमिष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव, आचार्य भगवान समंतवर स्वामी जी ने श्रावकों के कल्याणार्थ जो आचार संहिता लिखी है, रत्न खंडक श्रावकाचार, रत्नों के पिटारी की तरह से उस समय में भी महत्वपूर्ण थी और आज भी महत्वपूर्ण है। उसका महत्व कम नहीं हुआ। संसार में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका महत्व कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, किंतु कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनका महत्व सदा ही बराबर रहता है, घटता बढ़ता नहीं। यह रत्नकंडक श्रावकाचार ग्रंथ निस्संदेह आज भी अपडेट है, आउट ऑफ डेट नहीं हुआ। जितनी आवश्यकता, जितनी महत्ता, जितनी प्रामाणिकता कल थी, उतनी ही आवश्यकता, महत्ता और प्रामाणिकता आज भी है। रत्नकंडक श्रावकाचार में आचार्य महोदय श्रावकों के लिए पुण्य की प्रेरणा दे रहे हैं, पापों से बचने का सूत्र दे रहे हैं। इस श्लोक नंबर 27 में उन्होंने पाप का अनुरोध करने की बात कही है और साथ में कहा, यदि पाप का अनुरोध कर दिया तो भौतिक संपत्ति का संग्रह क्यों, और दूसरी ओर कहा, यदि पाप का अनुरोध नहीं किया तो भौतिक संपत्ति का संग्रह क्यों। उनके ही शब्दों में देखें, यदि पाप निरोधोन्य संपदाम किम प्रयोजनम, अथ पापा सर्वस्त्यन्य संपदाम किम प्रयोजनम। आचार्य महोदय ने कहा, यदि पाप निरोधोन्य, यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में से पापों का निरोध कर दिया, पापों का रोक दिया, पाप का आसव रुक गया, तो फिर बाह्य संपदा का संग्रह करने का क्या प्रयोजन, और यदि पापों का आसव नहीं रोका तब भी बाह्य संपदा से क्या प्रयोजन। किसी स्थान से कीचड़ बहकर के आ रही थी, उस बहकर के आती हुई कीचड़ को नहीं रोका, कीचड़ बार बार आती जा रही है, तो जहाँ कीचड़ आ रही है वहाँ से बार बार कीचड़ को निकालना, साफ करना। किसी बर्तन में पानी आ रहा था, पानी के साथ साथ कीचड़ भी आ रही थी, बर्तन को व्यक्ति बार बार धोता है तो बार बार धोने से लाभ क्या, कीचड़ तो पुनः पुनः आ रही है, और कीचड़ का आना रोक दिया तो फिर बर्तन का धोना आवश्यक क्यों है जब कीचड़ है ही नहीं। ऐसे ही चित्त में निरंतर पाप का आसव हो रहा है तो पुण्य का फल कुछ इकट्ठा कर भी लिया, कुछ इष्ट पदार्थों की संप्राप्ति हो गई, उन्हें इकट्ठा कर लिया, किंतु पापों को नहीं रोका, तो वे पुण्य के फल रूप पदार्थ शीघ्र कभी भी नष्ट हो सकते हैं। विद्युत की तरह से आकाश में चमकती हुई बिजली की तरह से पुण्य का फल है, दिखाई देता है फिर लुप्त हो जाता है। कब पाप कर्म का उदय आए और कब पुण्य का फल नष्ट हो जाए। और यदि किसी व्यक्ति ने पाप का निरोध कर दिया तो पुण्य का फल संचित करने की आवश्यकता कहाँ है। जब पाप ही नहीं आएगा तो जो कुछ
पुण्य का फल रूप सामग्री प्राप्त हुई है वह नष्ट नहीं हो सकती। पाप कर्म के उदय के बिना पुण्य के फल को नष्ट नहीं किया जा सकता। आचार्य महोदय ने कहा, यदि पाप का अनुरोध कर दिया तो वाह संपत्ति का कोई प्रयोजन नहीं, नहीं अनुरोध किया तो वाह संपत्ति का कोई प्रयोजन नहीं। जैसे वैद्य कहते हैं, परहेज नहीं तो औषधि क्यों, और परहेज है तो औषधि क्यों। उनका कहना है, यदि कोई रोगी परहेज न करे, औषधि का सेवन करे, तो वह अपथ्य सेवन करने से रोग को बढ़ाता चला जाएगा, औषधि उस रोग को ठीक नहीं कर पाएगी। दूसरी ओर कहा कि यदि अपथ्य का त्याग करता है, पथ्य का सेवन करता है, तो औषधि क्यों। पथ्य सेवन ही अपने आप में औषधि है, इसलिए अलग से औषधि लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें, अंधकार का रोक देना ही प्रकाश है। प्रकाश का वाय संग्रह करने से क्या लाभ। जैसे माना किसी के पास सौर ऊर्जा का प्लांट है, इसमें 24 घंटे लाइट रहती है। अब 24 घंटे लाइट रहती है, एक सेकंड के लिए भी नहीं जाती, तो उसे इन्वर्टर रखने की क्या आवश्यकता है, जनरेटर रखने की क्या आवश्यकता है। लाइट 24 घंटे सौर ऊर्जा से रहती है, और यदि सौर ऊर्जा वाली लाइट नहीं है तो जनरेटर इन्वर्टर कितना काम करेगा। इन्वर्टर ज़्यादा चल नहीं पाएगा, जनरेटर में कभी तेल खत्म हो गया तो बीच में विकल्प आ सकता है। उसे रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लाइट चाहिए, तो उसे ऐसा सिस्टम सेट करना पड़ेगा कि लाइट आए चाहे नहीं आए, किंतु ये लाइट कभी सौर ऊर्जा की जा नहीं सकती। यदि ये है तो जनरेटर आदि अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं, ये नहीं है तभी उनसे पूर्ति नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति के पास पूर्व पुण्य के उद्देश्य लाखों की, करोड़ों की, अरबों खरबों की संपत्ति है, किंतु पुण्य नहीं करता हुआ, पाप में लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति की संपत्ति कब तक साथ दे सकती है। पाप में लगा हुआ है, पाप का घड़ा जब भर जाएगा, फूटेगा, तो राजा भी रंग हो जाता है। और कोई व्यक्ति यदि पुण्य करता जा रहा है तो संपत्ति जोड़ने की आवश्यकता कहाँ है। जंगल में ही जाएगा तो वहाँ भी मंगल होगा, स्वर्ग के देवता आकर के उसकी व्यवस्था बनाएंगे, उसकी सेवा करेंगे। जैसे दूसरे उदाहरण से अपन देखें, किसी व्यक्ति के पास बैंक में अकाउंट तो है, किंतु बैंक में बैलेंस कुछ भी नहीं है। बैंक में बैलेंस नहीं है और फिर अपनी जेब में एटीएम कार्ड लेकर के घूम रहा है, चेकबुक लेकर के घूम रहा है। जब बैंक में बैलेंस ही नहीं है तो एटीएम कार्ड और चेकबुक क्या करेंगे, और बैंक में बैलेंस है तो एटीएम कार्ड और चेकबुक नहीं है, तब भी वह बैंक से एप्लीकेशन लगा करके पैसा प्राप्त कर सकता है अपने आधार कार्ड से, क्योंकि बैंक वाले को मालूम है ये अकाउंट इसका है, इसका पैसा जमा है। किसी साहूकार के पास पैसा रख दिया, पैसा तुम्हारा उसके पास रखा है, तुमको दे देगा वो, और पैसा नहीं रखा है तो झूठे दस्तावेजों से पैसा थोड़ी मिल जाएगा। यहाँ पर आचार्य महोदय ही कह रही है, यदि पाप निरोधन्य हे भव्य जीव, तूने पाप का निरोध कर दिया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, पुण्य अपने आप आ जाएगा, अपने आप आएगा। यदि जीवन में पाप के सघन श्याम मेघ नहीं छाए तो वे श्याम मेघ दूर हो जाएंगे, तो सूर्य का प्रकाश अपने आप आ जाएगा। और सूर्य का उदय ही नहीं हुआ, रात्रि है अमावस्या जैसी, तो आकाश में बादल छाए हों या न छाए हों क्या फर्क पड़ने वाला है। पुण्य का फल पुण्य की परछाई है, पाप का फल पाप की परछाई है। पाप को हटाने से पाप की परछाई हट जाती है, पाप का फल हट जाता है। और पाप का फल यदि नहीं चाहते हैं तो पाप को छोड़ना ही पड़ेगा, पुण्य का फल चाहते हैं तो पुण्य को जोड़ना पड़ेगा। बिना पुण्य के पुण्य का फल नहीं मिलता, नीतिकारों ने लिखा है, पुण्य फल मिच्छन्ति, पुण्य निच्छन्ति मानवा, पाप फल निच्छन्ति, पापं कुर्वन्ति यतनशः। व्यक्ति पुण्य का फल तो चाहता है किंतु पुण्य कार्य करना नहीं चाहता, और व्यक्ति पाप का फल नहीं चाहता किंतु पाप के कार्य को छोड़ना नहीं चाहता।
जब पाप के कार्य को नहीं छोड़ोगे तो पाप के फलों से कैसे बच पाओगे? पुण्य का कार्य नहीं करोगे तो पुण्य के फल को कैसे प्राप्त कर पाओगे? तो आचार्य महोदय ने यहां जो कहा है कि पुण्य और पाप क्या चीज है, अनिष्ट अनिष्ट वस्तु दायका पापा, जो अनिष्ट वस्तु प्राप्त कराई, जो दुख की सामग्री प्राप्त कराई, जो ऐसी वस्तुओं को दिलाई जिसके माध्यम से दुख होता है वह पाप है, और जिसके माध्यम से इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है वह पुण्य है। पुनातीति पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करे वह पुण्य है। पातति व्यवसाय सागरे जीवान सा पाप, जीवों को भवसागर में जो पतित करे वह पाप है। पाप का आश्रव पुण्य के फल को नहीं दे सकता, और पाप का आश्रव रुक गया तो पाप का फल नहीं आ सकता। महान भाव, प्राय करके संसारी प्राणी पाप में संलग्न रहते हैं, और पाप में संलग्न रहते हुए पुण्य के फल की कांक्षा करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़े होकर के समुद्र के जल में अवगाहन करने का आनंद लेना चाहे तो नहीं ले सकता, या जो कोई व्यक्ति समुद्र में डूब करके प्रार्थना करके मुझे पानी का आनंद आ जाए तो प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? जब समुद्र के किनारे खड़ा है तो प्रार्थना करने से समुद्र के जल के अवगाहन का आनंद नहीं आ सकता, और जल में जब अवगाहन कर रहा है तो कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति जब पाप को नहीं छोड़ रहा है तो कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर ली जाए, पुत्र के लिए, पौत्र के लिए, उसके भी पुत्र पौत्र के लिए, किंतु पाप का उदय आएगा तो संपत्ति वहां तक पहुंचना तो दूर की बात, स्वयं का जीवन भी पूरा नहीं हो पाएगा। पाप के उद्देश्य कहीं भूकंप आ गया तो अरबपति खरबपति भी धराशायी हो गए। भूकंप के बाद झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति और 10 मंजिल के महल में रहने वाला व्यक्ति दोनों जंगल में एक समान जमीन पर लेटे हैं, और जिसके पास पुण्य था कुछ नहीं दिया, मैंने तो अपनी बेटी के लिए कोई भी अपनी नहीं कराई, फिर मैंने उसे पुण्य के धर्म के संस्कार दिए हैं, उनके माध्यम से वह जहाँ भी जाएगा सम्मान पाएगा, और ऐसे हुनर और कला दिए, काम करने की कला सिखाई है, वह कभी भूखा ना रहेगा, खूब कमाएगा। पुण्य करना जानता है और धन लक्ष्मी पुण्य की परछाई है, अपने आप पुण्य के पीछे पीछे आ जाएगी। और जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों को पुण्य के संस्कार नहीं दिए, धर्म के संस्कार नहीं दिए, सतकला नहीं सिखाई, तो वह अपने बेटे के लिए कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर लें, वह विषनी बन गया, भोगी बन गया, दुर्व्यसनों में वह करोड़ों की अरबों की संपत्ति को कुछ ही महीनों में दिनों में नष्ट कर देगा। तो महानुभाव, यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं कि परछाई को मत पकड़ो। परछाई पकड़ में ऐसे नहीं आती है, परछाई का कारण प्रकाश है, उसे उत्पन्न करो। यदि पाप नोदोन्य, इसका आशय यही है कि पाप का नोद यदि कर दिया तो फिर संपत्ति इकट्ठी नहीं करना है। कई बार क्या होता है, जो संसारी प्राणी होते हैं मोह से आविष्ट, मोह में आसक्त, वे क्या करते हैं, स्वयं अच्छे से खाएंगे नहीं, अच्छे से पहनेंगे नहीं, पुण्य कार्य करेंगे नहीं, बस जोड़ जोड़ के रखते जाएंगे, मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरे इसके लिए, उसके लिए, और तुम्हारे द्वारा संग्रहित किया हुआ हुए धन और वस्तु तुम्हारी आंखों के सामने ही जब ये दुरुपयोग करते हैं तब एहसास होता है कि मैंने तो स्वयं खाया नहीं, पिया नहीं, आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं की, मैंने तो बड़ी मुश्किल से धन बचा बचा के अपने बेटे के लिए रखा था, अब बेटा पढ़ाई के नाम पर बर्बादी कर रहा है, यहाँ से दूर चला गया, और बाद में कहता है पापा मैंने बहुत मेहनत की किंतु मैं फेल हो गया। मेहनत क्या की उसने, मटर गश्ती की। अब
पिता सोचता है कि मैंने किस तरह से परिश्रम किया था, स्वयं पेट भर के भोजन नहीं किया, एक बार भोजन किया, बेटा अच्छा पढ़ाई कर ले, बेटे को सुख शांति मिले, उसके सुख और शांति के लिए, पत्नी की सुख और शांति के लिए मैंने दुख को स्वीकार कर लिया। तो ये गलती उसने की थी, उसे दुख स्वीकार नहीं करना चाहिए, स्वयं पुण्य करते हुए दूसरों को पुण्य के कार्य में लगाना चाहिए, क्योंकि ये संपत्ति विश्वास के योग्य नहीं है, यह उपयोग के योग्य है। लक्ष्मी का उपयोग करो, विश्वास करना है तो धर्मात्मा पर करो, विश्वास करना है तो परमात्मा पर करो, विश्वास करना है तो धर्म के ऊपर विश्वास करो, वह विश्वास निस्संदेह आपके जीवन में सुख देने वाला होगा। वस्तु पर विश्वास करने से सुख किसी को नहीं मिला, वस्तु तो नष्ट होती ही होती है। महान भाव, इस छोटे से जीवन में यदि हम कुछ कर सकें तो अब इतना सा कर लें, अपने आप को पाप की गंदगी से बचा लें, पाप की कीचड़ से बचा लें, जहाँ बदबू आ रही है ऐसे स्थान से बचा लें, तो स्वतः ही गंदगी वहाँ से दूर हो जाएगी। अपने आप को गंदगी से बचा लोगे तो अलग से शरीर पर इत्र छिड़कने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और गंदगी से सन करके इत्र भी छिड़कोगे तो वह भी गंदा हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। पुण्य कार्य मत करो भले ही, किंतु करो मत पाप, पुण्य के फल को पालोगे। पुण्य कार्य तुम न कर सको तो न करो, किंतु पाप को मत करो, पुण्य का फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा। यदि प्रकाश तुम नहीं कर सकते तो नहीं करो, अंधकार से बच जाओ, जीवन में प्रकाश ही प्रकाश बना रहेगा। यदि ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते तो अज्ञान की प्रवृत्ति, अज्ञान के फल से, अज्ञान की उस चेष्टा से बचो, ज्ञान का प्रभाव आपके जीवन में आ जाएगा। आप संयम की श्रद्धा नहीं कर रही हो तो कम से कम असंयम का छोड़ना प्रारंभ कर दो, कि जीवन में असंयम पाप ना आए, तो पुनः आपके जीवन स्वतः ही संयम आना प्रारंभ हो जाएगा। महान भाव, आचार्य महोदय का यह भाव कि वाह्य संपदा कोई प्रयोजनभूत नहीं है, वह तो नष्ट हो जाने वाली है, इसलिए आध्यात्म वैभव, आत्मा का वैभव वह शाश्वत है, उसे ही प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और जिसने उस पुण्य को शरण मान करके पुण्य का आश्रय लिया है, उस व्यक्ति ने अपना भव भ्रमण मिटाया है, और जिसने पुण्य का तिरस्कार करके अपना कल्याण चाहा है, वह कल्याण को प्राप्त तो कर नहीं पाया, अपितु तो पाप के गर्त में चला गया। इसलिए महानुभाव, आप सभी पापों से बच करके पुण्य कार्य में संलग्न हों, ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं, और इसी भावना के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।